पुलिस पर जबरदस्ती घर का ताला तोड़ने के आरोप में सिविल कोर्ट में केस दर्ज। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भकुरा गांव निवासी स्वर्गीय श्रीकांत सिंह की पत्नी मालती देवी ने सिविल कोर्ट आरा में मुफस्सिल थाना में पदस्थापित दरोगा अशोक सिंह और कृष्णगढ़ ओपी प्रभारी विवेक कुमार पर कोर्ट में कराया केस दर्ज। पीड़िता ने आवेदन में पुलिस पर 12 अगस्त की रात उनके घर बाकुरा स्थित उनके घर का ताला जबरदस्ती तोड़कर घर में रखे लाखों रुपए के सामान को नुकसान करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सिविल कोर्ट आरा में केस करने और घटना की जांच कर दोषी पुलिस अफसर पर कार्रवाई करने की अपील की है। आवेदन में पीड़ित मालती देवी ने आगे बताया कि मैं धनबाद में महिला पुलिस हवलदार के पद पर कार्यरत हूं। मेरा पूरा परिवार धनबाद में रहता है। मैं अपने गांव भकुरा में स्थित घर का ताला चाबी अपने भतीजा सूरज कुमार को दे दिया हूं, ताकि घर की साफ सफाई समय पर होता रहे। दिनांक 12 अगस्त की रात मुफस्सिल थाना के दारोगा अशोक सिंह और कृष्णगढ़ थाना के दारोगा विवेक कुमार ने रात में जाकर मेरे भतीजा के साथ मारपीट किया और बोले कि तुम घर में अपराधी रखे हो। घर का ताला तोड़कर घर का सारा सामान भी तोड़ दिए, जिससे मेरा 8 लाख रुपए का नुकसान हुआ। और मौके पर उपस्थित मेरा भतीजा और मेरे परिवार के लोग जो गांव में रहते हैं, उन लोगों ने जब दारोगा अशोक सिंह से कहा कि आप ऐसा काम कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, जिस पर अशोक सिंह के द्वारा गाली गलौज किया जाने लगा। घर का चाबी खिड़की वाला दे के गए थे। अच्छा। जिसमें वो लोग आया छत पर, डायरेक्ट हमको मारने लगा। क्यों मारने लगा, क्या बोल रहे थे उस समय? समय पूछ रहा था कि कोई है इसमें, हम बोले कोई नहीं है, अकेले हैं। वो सब पूरा तोड़ तड़ के देखा, जिसमें आगे वाला भी गेट वाला तोड़ दिया। उसमें चाबी हमारा पास ना था, वो धनबाद था, हमारा पास एक रूम का चाबी था खाली। पीछे से बोला छत पड़े आया, सब तोड़ तड़ किया, उसके बाद मारा, सामान सब ले गया बक्सा में से तोड़ के। क्यों अंदर प्रवेश किए थे? अंदर हमको पता नहीं था। अंदर आया बस तोड़ फोड़ शुरू कर दिया। बोलो जी, कुछ बोले नहीं? नहीं। और आपको पकड़ के भी ले गया? पकड़ के ले गया थाना मारा, यहाँ भी मारपीट किया। कुछ पूछा था आपको उसे? नहीं, कुछ नहीं पूछा। बस ऐसे ही मार रहे थे वो लोग। कुछ तो हुआ होगा फिर, क्या बात? कुछ तो पूछे होंगे वो किसी के बारे में, या कुछ ऐसी चीज पूछा था कि गुड़ी के बड़क सिंह कहाँ रहते हैं। हम बोले कि गुड़ी के बड़क सिंह को हम नहीं पहचान रहे। मेरे किसी को खोजने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार सिंह। बताइए क्या कुछ घटना हुआ है इस घर में? सर, घटना यही हुई है कि रात के करीब 12-12 बजे दरवाजे पर इस एथी में पुलिस की आवागमन बहुत ज्यादा देखे, तो हम अपने दरवाजा खोलकर यहाँ आए। आए तो देखे कि यहाँ प्रशासन पूरे घर की घेरे हुई है। तो हम पूछे कि क्या बात है, तो सिपाही लोग बोला कि हमारे पदाधिकारी हैं, उनसे बात कर लीजिए। तो जब हम आए यहाँ पूछे कि सर क्या बात है, इस घर को क्यों घेरे हैं, तो बोले कि इस घर में मुजरिम छिपा हुआ है, उग्रवादी छिपा हुआ है। हम बोले कि सर यहाँ मुजरिम कहाँ छिपेंगे, तो खुद महिला कांस्टेबल का घर है, जो कि माने धनबाद में पोस्टिंग है, वहां वो ड्यूटी में है। एक लड़का के पास चाबी है, जो उनका भतीजा है सूरज कुमार सिंह के पास। उस घर में दिया बाती उबरता है, यहाँ अपना देख रेख करता है, और कोई इस घर में नहीं रहता है। तो मुड़ी का बड़क सिंह है, हम कहीं नहीं बड़क सिंह तो यहाँ नहीं है, तो उनका लड़का है, हम कहीं उनका लड़का भी यहाँ नहीं है। तो क्या नाम हुआ? तो हम बताए कि मेरा नाम मनोज सिंह है। तो उसी पर अशोक सिंह ने हमको गाली देना चालू कर दिए। अशोक सिंह मुफस्सिल थाना के दरोगा है। अच्छा। वो गाली देना चालू कर दिए, कौन है रे, तुम भागता है कि नहीं, भागो नहीं तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे। हम बोले कि सर क्यों ऐसा कह रहे हैं, ताला तोड़ना है तो गांव के जनप्रतिनिधि को बुलाइए, 10 आदमी को बुलाइए, या मजिस्ट्रेट को डिपुट कीजिए। तो बोले कि हम खुद मजिस्ट्रेट हैं, हम खुद मजिस्ट्रेट हैं, हम ताला तोड़ेंगे, तुम यहां से जल्दी भागो नहीं तो तुमको हम भी बर्बाद कर देंगे। सर यही घटना यही घटी है। इसके बाद टोटल घर का ताला लोग तोड़ दिया, और उनकी बक्सा का भी ताला तोड़ के उसमें एक छोटा अटैची था, जिसमें उनकी गहना और पैसे रखे हुए थे, जो कि जाते समय अशोक सिंह ने अपने हाथ में लेकर चले गए। मतलब कुछ सामान सूटकेस वगैरह, छोटा अटैची था जिसमें उनकी गहना और 10,000 रुपया, बोल रही है कि मेरा 10,000 रुपया उसमें भी था,
छोटा कैंची था जो कि अशोक सिंह अपने जाते समय साथ लेकर चले गए, जो महिला कांस्टेबल है उनकी, महिला कांस्टेबल का सर। अच्छा, तो वो कुछ आवेदन वगैरह भी, वो आवेदन सर वहाँ अपने सीनियर एसपी से मिलकर दी है, इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री डीजीपी और आरा एसपी को भी आवेदन दी है और यहाँ कोर्ट में भी वो केस किए हुए। अच्छा जी, अभी यानी कोर्ट में केस चल रहा है जी। तो आखिर वो जिस तरीके से अशोक सिंह आया और आपके साथ अभद्र व्यवहार किया, कुछ तो ऐसे जानकारी मिली होगी या बस ऐसे ही? वो ऐसे ही आया तो पूछे कि क्या नाम है, तो हम बताए कि मेरा नाम मनोज सिंह है, बस इसी पर गाली देना चालू कर दिए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सब न्याय चाहते हैं कि इसकी जांच हो, जांच करके न्याय हो, उनकी सामान मिल जाए। तो आरा में गए एसपी वगैरह के, एसपी साहब के पास आवेदन वहीं से मैंने रजिस्टर कर दिया गया है और टेलीफोन से उनकी लड़का के एसपी साहब से बात हुई, जो कि एसपी साहब बोले कि अपना कार्रवाई आप लोग कीजिए। एसपी साहब बोल रहे हैं जी। ठीक, क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। कहाँ करवाने वाले हैं? भकुदा का, हम इस घर के जस्ट बगल में।